हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ग्रहण चल रहा है तो सब लोग अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जैसे कि आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि ग्रहण के दौरान अगर थोड़ी बोड़ी गलती हो गई है, कोई चूक आपसे जरा सी भी हो गई है, तो आपको अब क्या करना है। यहाँ तक कि अगर कोई भी चूक नहीं भी हुई है, ये उपाय आप जरूर अपनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, जैसे कि ग्रहण की टाइमिंग 3:04 या कोई कोई टाइमिंग 3:28 तक बताई जा रही है, तो जैसे ही ग्रहण खत्म हो, सबसे पहले आपको उठकर नहाना है, धोना है, घर की साफ सफाई करनी है, और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं ग्रहण के दौरान, हो सके तो उन कपड़ों को फिर कभी यूज़ ना करें, उनको आप किसी को दान कर दें। जैसे कि आपके घर में कोई कचरा लेने वाले आती हैं, कोई भी आती है, आप उन कपड़ों को उनको दान कर दें। नहा धोकर आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको चने फूलने के लिए डाल देने हैं, जो काले वाले चने होते हैं उनको आपको पानी में भिगोकर डाल देना है, और जैसे ही 7 या 8 बजते हैं उन चने को आपको बॉईल कर लेना है अच्छे से। चनों को फ्राई नहीं करना है, आपको केवल बॉईल करना है, और जैसे ही वो चने खिले खिले आएंगे तो आपको अपने भगवान के सामने उन चने का प्रसाद लगाना है और अपने भगवान से विनती करनी है कि भगवान ग्रहण के दौरान जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसको माफ़ करें, और जिस तरीके से ये चने खिल रहे हैं ऐसे मेरा बच्चा भी घर में खिला रहे और स्वस्थ रहे। इसके बाद आप भगवान से विनती करने के बाद उन चनों को आपको क्या करना है कि घर घर में एक एक कटोरी दे देना है। आपके आस पड़ोस में, आपकी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनको एक एक कटोरी वो आप चने दे दीजिए। वो प्रसाद के होते हैं तो हर कोई ले भी लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ग्रहण खत्म होने के बाद आपको दान करना है। दान में आपको कौन सी चीज़ें देनी है, दान में आपको सबसे पहले गेहूं, जिसको हम अनाज भी बोलते हैं, और गुड़। जैसे कि सूर्य भगवान का जो मेन प्रसाद होता है वो गेहूं और गुड़ माना जाता है, तो आज सूर्यदेव भगवान का भी दिन है और सूर्य ग्रहण भी है, तो आपको इस दिन अनाज और गुड़ का दान करना चाहिए। इसके साथ आप कुछ पैसे भी रख सकते हैं। दान करने से क्या होता है कि जो भी ग्रहण के दौरान कोई हमसे गलती हो गई है, कोई चूक हो गई है, कुछ भी हमने गलती कर दी है, तो भगवान उन चीज़ों को माफ़ कर देते हैं और ग्रहण के जो भी असर पड़ता है बुरा उसको भी टाल देते हैं। हमारी ज़िंदगी पर इन चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों, आप ये उपाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये उपाय ट्राई करेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, ग्रहण का कोई भी बुरा असर आपकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।